हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। बैंगन आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन का। तो उसमें देखिए, ये सब मसाले लेंगे, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और ये तेल लेंगे, और चॉप हुए बैंगन और आलू। तो सबसे पैन में लेंगे ऑयल, 2 चम्मच, बड़े चम्मच ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा और राय दोनों ऐड कर लेंगे, और 2 सेकंड के लिए ऐसे सॉटे होने देंगे अच्छे से। और ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत टेस्टी भी लगता है, और गणेश पूजा स्पेशली इसके लिए बहुत अच्छा ही होता है, और आप पूरी या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फिर जैसे थोड़ा सा स्लाइटली सॉटे कर लेंगे 1 to 2 seconds, देन उसमें हम लोग चॉप्ड पटैटोज ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे उसको, एंड देन देखेंगे हम लोग उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्रिंजल ऐड कर लेंगे। तो यस, दिस इज़ द चॉप पटैटोज। पटैटोज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए अच्छे से भून लेंगे, और ये बहुत जल्दी बन जाता है ऑलमोस्ट। उसको सेपरेटली बॉयल या फिर फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। उसको ढक के कुक कर देंगे तो मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर बन जाएगा। तो गाइस देखिए, उसको अच्छे से थोड़ा सा बड़े चंक्स में उसको चॉप की हूँ पटैटोस, एंड गाइस उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, एंड उसको लीड को ऐसे क्लोज करके हम लोग उसको थोड़ा सा पकने देंगे टिल द पटैटोज आर सॉफ्ट, एंड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट हुआ है, उसको फिर से और थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, देन उसमें ब्रिंजल्स ऐड कर लेंगे। तो गाइज़ आप भी बताइए, आप कैसे गणेश पूजा में आप बिना ऑनियन प्याज प्रेफर करते हैं, या फिर यू टेक ऑनियन एंड गार्लिक इन द वेजिटेबल्स? तो यस, बहुत सिंपल है, ज़्यादा तेल नहीं, मसाला भी नहीं है, और अभी थोड़ा सा इस स्टेज में ब्रिंजल को ऐड कर लेंगे। पटाटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, एंड सॉफ्ट होने के लिए और थोड़ा सा कुक होने देंगे मैक्सिमम 5 to 7 minutes। एंड ये तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है, और अभी ड्राई मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। गाइस इसमें कुछ मसाला ही नहीं है, हाँ थोड़ा सा सॉल्ट ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, आप भी ऐड कर दीजिएगा टेस्ट अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच चिली पाउडर, एंड ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप अपने हिसाब से मसाला कम ज़्यादा दे सकते हैं, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और गाइस ट्रस्ट मी, टेस्ट ऑसम एंड अमेजिंग, बहुत टेस्टी लगता है। आप सिंपल पूरी के साथ या फिर चपाती पराठा के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही फेस्टिवल्स में जहाँ बिना प्याज एंड ऑनियन यूज़ करना आप प्रिफर नहीं करते हैं। तो गाइस देखिए, ये ऑलमोस्ट पटैटोज भी चेक कर दी हूँ अच्छे से, वो सॉफ्ट हो रहा है, और स्लाइटली थोड़ा सा उसको ढक के लास्ट मोमेंट कुक कर लेंगे लाइक 2 to 3 minutes मैक्सिमम, एंड उसके बाद देखेंगे। तो ये इज़ सॉर्टेड, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, ऑफ कोर्स आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। एंड यस, दिस वॉज ऑल अबाउट द आलू बैगन की सूखी सब्जी बिना प्याज एंड ऑनियन वाला, एंड एट द एंड हैप्पी गणेश पूजा टू एवरीवन। बाय गाइस, टेक केयर।